नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं स्पीड टेस्ट 190। दोस्तों आज आप बात करने जा रहे हैं कि यदि आप धूप में जाते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं, आपके चेहरे पे धूल पड़ती है, गर्दा पड़ती है, जिसके कारण आपके चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं या फिर आपके जो चेहरे का रंग है वो धीरे धीरे करके सांवला होने लगता है। ऐसे आपने कुछ लोगों में देखा होगा कि उनके जो गले का कलर होता है दूसरा होता है, फेस का कलर दूसरा हो जाता है। तो इस टॉपिक पर हमारे पास में बहुत सारे कमेंट आए थे और इसका हम सोल्यूशन लेके आए हैं जो कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी भी क्रीम का आपको प्रयोग नहीं करना है। और अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपका जो फेस का कलर है ठीक हो जाएगा और आपके फेस पे जो झुर्रियां आने लगती थी या फिर आपका फेस जो रूखा रूखा सा रहता था, और अगर आप इस नुस्खे का प्रयोग करते हैं तो उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जैसे आप बाहर धूप में जाते हैं और आपके चेहरे पे धूल पड़ती है या फिर जो सूरज की रोशनी पड़ती है, जिसके कारण आपका जो स्किन है उसका कलर जो है धीरे धीरे डाउन होने लगता है और जिसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप काफ़ी सारे क्रीम्स का प्रयोग करते हैं लेकिन उससे उतना आपको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल पाता है, आपका जो ग्लोनेस था स्किन का वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको प्रयोग क्या करना है, आपके घर पे भी उपलब्ध होगा, आपको लेना है एलोवेरा। एलोवेरा का पौधा हो सकता है आपके घर पे भी लगा हो, और अगर नहीं लगा है तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं एलोवेरा के पौधे को और घर पे लगा लीजिए। या फिर अगर आप आपके घर पे ही उपलब्ध है तो उसके इसमें एक पत्ती को उसके आप काट लीजिए एलोवेरा के, और उसके गूदे को निकाल लीजिए, एक चम्मच गूदे को निकाल लीजिए और एक चम्मच आपको हल्दी पाउडर लेना है। दोनों को एक में मिक्स करके और रात में पहले आप अपने चेहरे को धुल लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद में हल्दी पाउडर को और जो आपने एलोवेरा के जूस को निकाला था दोनों को मिक्स करके अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लीजिए। लगभग 15 से 20 मिनट तक अपने अपने चेहरे पर लगे रहने दीजिए उसको, और उसके बाद में गर्म पानी से धुल लीजिए, उसके बाद में आप कपड़े से वॉश कर लीजिए। ऐसा आप प्रतिदिन करिए और एक हफ्ते तक जैसे आप करते हैं तो आपका जो स्किन का कलर था वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और आपके स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो आ जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि लोगों की स्किन में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं या फिर उनका स्किन रूखा रूखा सा हो जाता है, उनके स्किन का जो ग्लोनेस था वो चला जाता है धूप के कारण, गर्मी के कारण, या फिर उनके चेहरे पर धूल पड़ती है। तो अगर आप इस नुस्खे का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इस नुस्खे का प्रयोग महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। जिन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम है, जो लोग बाहर जाते हैं जिनका कलर धीरे धीरे डाउन होने लगा है सूरज की रोशनी के कारण या फिर धूल के कारण, तो वो लोग अगर इसका प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। कई लोगों ने इसका प्रयोग किया है और एक आजमाया हुआ नुस्खा है, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इससे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में सारी जानकारी मिल गई हो।